أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Bashir Ahmed Malik Teacher Government High School Naugam Zone Mawar District Kupwara Dear students of class 10 8th sorry today we are going to read about the topic which we have already discussed in two topics. So today we will continue this poll of the king of games. You please open your book from page number 34. So we will start the lesson. The topic patronized by kings and the horse cavalry. It was played by the likes of Darius, Genghis Khan, and Alexander the Great. It was the game polo. It was patronized by kings. Patronized means behaved towards someone if they are stupid. बादशाह जो लोग इसको खास इसको पैटर्नाइज करते थे एंड द हॉर्स कैवलरी एंड जो कैवलरी होती है जो कैवलरी मीन्स द पार्ट ऑफ एन आर्मी कंपोज्ड ऑफ माउंटेड ट्रूप्स जो आर्मी जो होती है कैवलरी ट्रूप्स जो होते हैं वो भी इसको मतलब पसंद करते थे पेटर्नाइज करते थे इट वाज प्ले एंड लेटर ऑन इट वाज प्लेड बाय ड्यूर्स ए ग्रेट मैन गेंगिस खान वाज आल्सो अ किंग एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड वन ऑफ द ग्रेट किंग्स दैट इज अलेक्जेंडर द ग्रेट इन इंडिया पोलो वाज वाइडली प्लेड इन मिडिवल टाइम्स सो फार एज इंडिया इज कंसर्न the game polo was widely played in during the medieval times. Medieval times जो वस्ती history यहाँ पे जो ज़माना था medieval time जो था उसी दौरान ज़्यादा इसको यहाँ पर खेला गया as it is evident from the fact that Sultan Qutubuddin Abek who built the Qutub Minar died of a fatal accident while playing polo in लाहौर जो कुतुबुद्दीन अबेक जो था वो मिडिवल टाइम्स का जो किंग यहाँ पर रहा है मिडिवल टाइम्स के दौरान कुतुबुद्दीन अबेक जिन्होंने कुतुब मीनार भी बनाया ही हैज़ बिल्ड कुतुब मीनार इन एट दिल्ली इट हैज़ बीन इट इज़ एविडेंट दैट ही हैज़ डाइड ही डाइड वाइल प्लेइंग ए पोलो गेम And there happened an accident, fatal accident, at Lahore, Pakistan. और उसी में उसकी मौत हो चुकी थी तो इस तरह से ये evident हो जाता है ज़ाहिर हो जाते हैं कि medieval times में ये गेम जो play की खेला जा रहा था इस गेम को खेला जा रहा था ये बड़े बड़े जो बादशाह थे वो ज़्यादा इसको पसंद करते थे Under the Mughals, polo was the national sport of India. And during the Mughal period, this polo game, it was a national sport, national game in India until the end of the 16th century. यानि 16वीं सदी के आखिर तक ये game जो है national sport मानी जाती थी during the Mughal period. During this period, polo enjoyed the patronage of kings. During this period, ये जो polo game थी ये इसको सपोर्ट मिल रहा था पैट्रोनेज बादशाहों का सपोर्ट मिल रहा था पैट्रोनेज मीन सपोर्ट एंड नोबल्स और नोबलों का सपोर्ट मिलता एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर एंड इट वाज प्लेड जो अंडर द प्रोविंसेस इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर यानी बादशाह की जो प्रोविंसेस होती थी जगह होती थी खास मखसूस जगह होती थी उन्हीं के अंदर इसको खेला जा रहा था एंड इन द कोर्ट्स ऑफ द राजपूत किंग्स और जो राजपूत किंग्स थे उनकी जो कोर्ट्स थे जो उनके दरबार थे
उन दरबारों के अंदर इसको खेला जा रहा था। इन द अनसेटल्ड टाइम्स ऑफ दिस 18th सेंचुरी पोलो ऑलमोस्ट वैनिश्ड ज्यूरिंग द 18th सेंचुरी ऑल दिस पोलो गेम इट वैनिश्ड फ्रॉम द इंडियन सीन इट डिसअपीयर्ड वैनिश मीन्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम द इंडियन सीन यानी हिंदुस्तान में ये पूरी तरह से गायब हो गया। हाउ ज्यूरिंग द 18th सेंचुरी हाउएवर इट सर्वाइव्ड इन अ फ्यू रिमोट माउंटेन्स एनक्लेव्स मगर इसके बावजूद ये सर्वाइव मतलब जिंदा रह गई ये गेम कुछ माउंटेन्स एनक्लेव्स में जो पहाड़ी इलाके थे एनक्लेव मीन्स पार्ट ऑफ ए कंट्री सराउंडेड बाय फायर एंड कंट्री कुछ एनक्लेव्स थे जहाँ पर ये मतलब खेली जा रही थी ग्रेट सब कॉन्टिनेंट नोटोबली इन गिलगित यानी गिलगित एक इलाका है वहाँ पर ये इसको खेला जाता था लद्दाख एंड लद्दाख में एंड मणिपुर एंड इन मणिपुर पहाड़ी इलाकों में इसके अलावा जो पूरी तरह से वैनिश हो चुकी थी। पोलो हैज बीन फॉर सेंचुरीज अ पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ द रगड माउंटेन वैलीज ऑफ द कोराकरम रेंजेस पोलो जो था मुख्तलिफ देहायों से एक पॉपुलर स्पोर्ट था इट वॉज अ फेमस गेम ऑफ द रगड माउंटेन्स रगड मीन्स अनइवन सरफेसेस अनइवन सरफेस माउंटेन वैलीज ऑफ द कराकरम रेंज यानी कराकरम रेंजेस में ये जो मशहूर स्पोर्ट खेला जा रहा था पर्टिकुलरली इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज खासकर जो रिमोट एरियाज थे एंड इनएक्सेसिबल एरियाज जो थे जहाँ पर ज़्यादा एक्सेस नहीं था जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं जाते थे उन इलाकों में इसको खेला जाता था। हिमालयन रेंजेस ऑफ गिलगित एंड इट वॉज प्लेड इन हिमालयन रेंजेस ऑफ गिलगित हुंजा सकुर्दू एंड खापुलू इन बल्तिस्तान एंड लद्दाख इन बल्तिस्तान एंड लद्दाख अकॉर्डिंग टू लिजेंड्स यानी लिजेंड्स लिजेंड क्या होता है लिजेंड मीन्स ए पॉपुलर स्टोरी एक मशहूर कहानी हैंडेड डाउन फ्रॉम अर्ली टाइम नॉट नेसेसरली ट्रू जो सही भी नहीं हो सकता है उनके मुताबिक पोलो केम टू सेंट्रल लद्दाख फ्रॉम नेबरिंग बल्तिस्तान ये पोलो जो है लद्दाख में जो उसका नेबरिंग एरिया इलाका है बल्तिस्तान वहीं से आ चुका है वायर फॉर सेंचुरीज इट यूज टू बी चीप एम्यूजमेंट और वहाँ पर जो था बल्तिस्तान के अंदर ये मुख्तलिफ दिहाइयों से लोग इसको एन्जॉयमेंट के लिए खेलते थे एम्यूजमेंट के लिए खेलते थे एम्यूजमेंट मीन्स एन्जॉयमेंट हिस्टोरियंस डेट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोलो इन लद्दाख टू किंग्स एंड हिस्टोरियंस जो थे तवारीखदान जो थे जो इसका इंट्रोडक्शन लद्दाख में इस तरह करते हैं कि वहाँ पर एक बादशाह था उसका नाम था जेमयंग निगमाली निमग्याल उसके जो बादशाह थी उसकी जो रीजन था आर्या रीजन मीनस हुकूमत इन द 16th सेंचुरी उसी दौरान उसको वहाँ पर लद्दाख में लाया गया हु मैरिड गयाल खुताम जो बादशाह था जेमयंग निगमाल उसने शादी की थी गयाल खुताम अ प्रिंसेस फ्रॉम बल्तिस्तान शी वॉज अ प्रिंसेस वो शहजादी थी बल्तिस्तान से लिहाजा उसी के साथ ये पोलो वहाँ पर लद्दाख में आ गया अदर्स से दैट इट वॉज ब्रॉट बाई द कॉलोनी ऑफ बिल्टिक्स मोस्ट ऑफ द पीपल अदर पीपल दिस से दैट इट वॉज ब्रॉट बाई द कॉलोनी ऑफ बिल्टिक्स यानी एक बिल्टिक्स जो था उसकी जो कॉलोनी थी यहाँ पर हुकूमत करती थी लद्दाख में उसी ने इसको लाया है सेटल्ड एट चुशट गॉट इट्स ओन पोलो ग्राउंड वेयर एवरी ईयर ऑन 21st मार्च पोलो इज प्लेड टू सेलिब्रेट नवरोज चुशट एक जगह है दे इट इज हैविंग इट्स ओन पोलो ग्राउंड वहाँ पर उनका अपना एक पोलो ग्राउंड है जहाँ पर हर साल 21 मार्च को अपोलो की गेम खेली जाती है टू सेलिब्रेट नवरोज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट नवरोज वहाँ पर नवरोज का जो बड़ा दिन है त्यौहार मनाने के लिए ये गेम हर रोज हर साल खेली जाती पोलो इन लद्दाख इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर द रिच एज फार एज पोलो इन लद्दाख इज कंसर्न्ड इट इज़ नॉट प्लेड बाई रिच पीपल ओनली यहाँ पर अमीर लोग इसको नहीं ज़्यादा खेलते
अमीरी नहीं खेलते हैं, बट ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज़ इट इज़ पोलो ग्राउंड। एवरी विलेज इन लद्दाख इज़ हैविंग इट इज़ पोलो ग्राउंड। हर एक गांव के अंदर एक पोलो ग्राउंड है, कॉल्ड शगराम, शगरान, वहाँ पर इसको शगरान का नाम दिया जाता। एंड इट इज़ प्लेड विथ वरु इन मैनी प्लेस बिसाइड्स लेह। इट इज़ प्लेस्ड विद ग्रेट इंथ्यूजियाज्म, विद ग्रेट एनर्जी। वरु मीन्स ग्रेट इंथ्यूजियाज्म, ग्रेट एनर्जी इन मैनी प्लेस बिसाइड्स लद्दाख। लद्दाख के अलावा बहुत सारी जगह में इसको खेला जाता है बिसाइड्स लेह, स्पेशली इन द्रास, खासकर द्रास के अंदर एंड चुशाट, एक चुशाट जगह है वहाँ पर ये इसको खेला जाता। एंड बिग विलेज क्लोज टू लेह, एंड देयर इज अ बिग विलेज नियर टू लेह वायर इट इज बींग प्लेड। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट पार्ट टुडे। सो ड्यूरिंग दिस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द पोलो गेम, हाउ इट केम टू लद्दाख एंड हु प्लेड इट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड एंड हाउ इट वैनिश्ड फ्रॉम द इंडिया, हिंदुस्तान से अंदर किस तरह गायब हो गई बाद में, और कुछ इलाकों में बाद में ये खेली जा रही थी, और लद्दाख में कहाँ कहाँ पर खेला जा रहा है इसको, और लद्दाख के अंदर जो है पूरा हर एक गांव के अंदर एक एक जो मैदान है इसके लिए रखा गया है, और नवरोज जहाँ वहाँ 21 मार्च को जब नवरोज मनाया जाता है उस दौरान इसको वहाँ पर खेला जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इसके मानी भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।